अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान समीउल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान अपडेट्स। नाजरीन, हमारे साथ जो ट्रैफिक पुलिस अहलकार हैं वो मौजूद हैं और ट्रैफिक पुलिस जो ट्रैफिक के कवानीन हैं उनके हवाले से अवामुन नास को जो है आगाह कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कवानीन हैं और जब वो बात करते हैं लोगों से तो उनको क्या मुश्किल पेश आती है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बताइएगा कि आप जब अवामुन नास को रोकते हैं तो क्या पेश मतलब क्या रद्द अमल आता है उनकी तरफ से? जी भाई जान, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जब हम आवाम को रोकते हैं, आवाम में अवेयरनेस नहीं है, तो आवाम को पता ही नहीं है क्योंकि इतनी क्रिटिकल कंडीशन चल रही है, कोरोना का सीज़न चल रहा है जिसकी वजह से इतनी मुश्किलात आ रही हैं, वबा की वजह से लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे। सेकेंडली, आवाम में ये अवेयरनेस नहीं है कि हम जिस चौक पर जा रहे हैं उसमें रॉन्ग साइड किस तरह से हमने क्रॉसिंग करनी है, किस साइड से हमने मोटरसाइकिल पार्क करनी है। सेकेंडली, अवेयरनेस होनी चाहिए आवाम में, आप लोगों का और हम लोगों का ये मैसेज होना चाहिए कि आवाम में एक तो वो हेलमेट का इस्तेमाल करें, सेकेंडली अपने पास डॉक्यूमेंट्स रखें क्योंकि लोग बाहर से सफ़र करते हैं, किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, ना हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, ना मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो साइड वाला मिरर नहीं होता उनका, क्योंकि ना उनको पता चलता हम किस साइड से आ रहे हैं, किस साइड पर हमने जाना है। हम लोगों मैं ये लोगों को मैसेज देना चाह रहा हूँ कि लोगों में ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि जैसे भी हम गाड़ी ड्राइव करने के लिए निकलते हैं हम साइड वाला शीशा इस्तेमाल करें और मास्क का इन दिनों में ख़ास तौर पर इस्तेमाल करें। और एक दूसरे के साथ हमें ख़ास तौर पे ये मुश्किल हमें पेश आ रही है क्योंकि लोग जब हम किसी को रोकते हैं तो वो ये समझते हैं हम शायद किसी को किसी मकसद के लिए रोक रहे हैं, हम हालांकि हमारा ये मकसद नहीं होता। हमारा मकसद होता है आवाम के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आना और उनके साथ मेल जोल के साथ रहना। दूसरी बात यह है कि जब भी कोई ट्रैफिक कवानीन के पर अमल करेगा तो हमें भी खुशी होती है क्योंकि उससे एक तो एक्सीडेंट कम होंगे, जब एक्सीडेंट कम होंगे हमारे मुल्क में इस चीज़ में बेहतरी आएगी। और हमारे डीपीओ साहब की तरफ ये मैसेज है कि लोगों में ये अवेयरनेस दो, हम आए दिन हमारे डीपीओ साहब के अहकाम पर अमल करते हुए हम लोग इन चीज़ों के लिए इनके चीज़ें भी मास्क भी इनको तकसीम करते हैं। और कितना जुर्माना करते हैं जो लोग हेलमेट नहीं पहनते या मास्क नहीं पहनते, तो उनके लिए कितना जुर्माना है? भाईन, जो लोग हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते उनको उन पर 200 जुर्माना है उनका, लेकिन हेलमेट का इतना इशू नहीं है। हेलमेट तो यूज़ करने से उनकी अपनी सेफ्टी है, लेकिन लोग डॉक्यूमेंट्स यूज़ नहीं करते। आए दिन वारदातें होती हैं, लोग मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं, गाड़ियाँ यूज करते हैं, गाड़ियों में ब्लैक पेपर लगे हुए हैं जिसकी वजह से पता नहीं कौन कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है। हमारे अफसरान ने बाला के हुक्म से उनके अहकाम पर अमल करते हुए हम इसीलिए चेकिंग करते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस आए और जिससे ट्रैफिक के कवानीन में बेहतरी आए। जी बिल्कुल नाजरीन, यहाँ जो ट्रैफिक अहलकार हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका यही कहना था कि जो अवामुन नास है वो ये समझती है कि ये शायद इनके दुश्मन हैं, लेकिन अलग देखा जाए कि धूप में, सर्दी में, गर्मी में ये लोग आवाम के लिए सड़कों में निकल के आते हैं। हो सकता है कि आपने अगर हेलमेट ना पहना हो आप गिर जाएं तो खुदा ना खास्ता कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, तो जुर्माना करने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि आपकी याद दहानी हो जाए, और जुर्माना भी कोई ज़्यादा नहीं है, 200 रुपये। तो इनकी अपील है कि जो अवामुन नास है उनको चाहिए कि कवानीन का ख्याल करे और साथ साथ इनका भी ख्याल करे क्योंकि ये हमारे लिए ठहरे हुए हैं। आज की रिपोर्ट कैसी लगी इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।